सर बोलियो। आज सुबह 6:30 बजे बम रुकने डाला और किंग्स फाइव के अंदर GHMC और इरिगेशन और HMDA के तमाम ऑफिसर्स मिलकर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में जो यहां पर मकानात की तामीर की जा रही थी उन मकानात को मुनज़्ज़म किया गया। और जैसे ही पहला सदर मजलिस अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अशरफ अपॉइंटमेंट को मिली, उन्होंने मुझको रवाना किया। मैंने वहाँ पर जाकर किस वजह से घरों को डिमोलिशन कर रहे हैं कहकर बातचीत हम कर रहे थे, लेकिन हमको वहाँ से गिरफ्तार करके हमको शादनगर के आगे पुलिस स्टेशन में रखा गया सुबह से शाम तक, और कई मकानों को तोड़ा गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको लीक की ज़मीन थी या फिर या और कोई गवर्नमेंट लैंड थी, तो जिस वक्त यहाँ पर तामीर की जा रही थी जो आवाम पैसा देकर खरीदी है, तो वहाँ पर वो जब मकानात की तामीर कर रहे थे उसी वक्त में आकर चाहे रिवेन्यू डिपार्टमेंट हो या फिर इरीगेशन डिपार्टमेंट हो उनको रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि जब मकानात तामीर हो गए और कई लोग इसके अंदर अपनी ज़िंदगियों को बसर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक मनसूबा बंद साजिश के ज़रिए यहाँ के जो मकानात को डिमोलिशन किया है। और हम इसकी तमाम तफसीलात सदर मोहतरम नकीब मिलत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अशरफ अपॉइंटमेंट को देंगे, और जो भी फर्दर कार्रवाई होगी सदर मोहतरम गवर्नमेंट लेवल पर बात करेंगे। शुक्रिया सर। एक सेकंड सर, सर ये बताया जाता है कि ये पूरे हैदराबाद के अंदर ये चल रहा है ऐसा, बल्कि सिर्फ ओनली ये जगह फेज 4, फेज 5 किंग कॉलोनी बल्कि नहीं है, सारे शहर हैदराबाद ओल्ड सिटी के अंदर कई जगहों पे ऐसा तोड़ा जाएगा बल्दिया की जानिब से, बल्कि सुनने में आ रहा सर। अभी देखिए हुकूमत की क्या पॉलिसी है, हुकूमत क्या चाहती है। ऐवान असम्बली के अंदर जिस वक्त इस बिल को लाया जा रहा था, गुरुद्दीन अवैसी साहब आयद ऐवान मुसलमाना ने इस बिल की मुखालिफत की और हैड्रा जो बनाया जा रहा है उसकी मुखालिफत कर कर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से गैर मजाज तामीरात नालों के ऊपर हो या फिर तालाबों के बाजू हो जो तामीर किए जा रहे हैं उसको जो कई बरसा बरस से लोग अपने ज़िंदगी में गुजार रहे हैं, तो अकबर साहब ने कहा कि जो GHMC की हेड ऑफिस है वो खुद एक नाले के ऊपर तामीर की हुई है, उसके लिए आप क्या करेंगे। उनने हुकूमत से सवाल किया लेकिन हुकूमत उसके कोई जवाब नहीं दी। लिहाजा एक पार्शलिटी पुराने शहर के आवाम के साथ कांग्रेस हुकूमत करना चाह रही है, तो लिहाजा आवाम को भी जानना चाहिए कि किस तरीके से आज काम किया जा रहा है वो आवाम के सामने। सर ये एक और एक बात है सर, ये मस्जिद है गौसिया है उसके बाजू में और एक मस्जिद है, ये मस्जिदों को छोड़ते हुए ख़ास तौर से क्लीन मस्जिद से ज़्यादा मुस्लिमीन के ही घरों को टारगेट बनाया गया, इसकी क्या वजह हो सकती है सर? और भी आसपास में कई ऐसे मकानात हैं, कई ऐसे चीज़ें शादी खाने हैं, उसको छोड़ के इसी को टारगेट बनाने की वजह क्या हो सकती है सर? देखिए क्लीन मस्जिद से ज़्यादा मुस्लिमीन के बोलकर नहीं, बल्कि जो भी लोग मकानात बनाए हैं उनको एक टारगेट किया जा रहा है, ताकि एक आदमी अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ा हिस्सा जब कमाता है तो वो एक अपनी मकान वगैरह बनाकर रहने के लिए, लेकिन जब आप पूरा तामीर करके लोग यहाँ पर 5-5 साल से 4-4 साल से ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं तो वहाँ पर आकर टारगेट करके तोड़ा जा रहा है। तो ये एक ही नहीं बल्कि कई जगहों के ऊपर कई मकानात को वार्निंग भी देकर गए हैं कि कल फिर आकर हम उनको मुनज़्जम करेंगे। सर यहाँ पर 4 साल को डिमोलिश किया सर अभी? अभी तो देखिए ये बम रुकनुद्दौला का जो एरिया है वहाँ पर 2 मकानात को तमाम बाउंड्रीज को तोड़ा गया है और किंग्स फाइव के अंदर 3-4 मकानात को मुनज़्ज़म किया गया। सर यहाँ पर 5 से 6 साल से पहले मकानात बने हैं, सो हुआ GHMC जब क्या सो रही थी, क्या आज जागी है GHMC? क्यों तो जब जो भी मकानात बना रहे हैं वो तो उनसे रुजू होकर बनाए होंगे ना, गैर कानूनी तो नहीं बनाए हैं, तो जब उनको ऑर्डर दिया जाता है उस 5 साल के बाद में तोड़ा जाता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? वही तो बात हम आपसे कह रहे हैं कि जिस तरीके से जब उन्होंने तामीर कर रहे थे, जब फाउंडेशन डाल रहे थे, उसी वक्त में आकर GHMC हो या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो आकर उनको रोकना चाहिए था। हुकूमत की नाहेली है जो उन्होंने जब मकानात बनकर तामीर होकर जब घरों में उतर चुके हैं तो उसके बाद में आकर उनको मनोदम करना अच्छी बात नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।